हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों डायबिटीज़ में सावधानियों की। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ के मरीजों को ऐसी कौन कौन सी 10 सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे उनकी समस्याएँ कम हो सकें। दोस्तों, आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, और मैं आपको बताऊं कि निश्चित रूप से डायबिटीज़ एक संवेदनशील समस्या है, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको कुछ विशेष सावधानियों को जरूर बरतना पड़ेगा। आज हम ऐसे ही कुछ सावधानियों के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं, और इसमें सबसे पहले नंबर पर है रेगुलर ब्लड शुगर और BP टेस्ट कराना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको हफ्ते में कम से कम 3 दिन अपना रेगुलर ब्लड शुगर चेक कराना चाहिए और अपना ब्लड प्रेशर भी चेक कराना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये भी कहीं ना कहीं डायबिटीज़ का एक लक्षण माना जाता है। फिर दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी स्थिति में आपको इन्फेक्शन कम से कम हो। ये इन्फेक्शन चाहे तो आपके दांतों में हो, या फिर ब्लड में हो, या फिर यूरिन में हो, या किसी भी तरह का संक्रमण आपके शरीर में आपकी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो ऐसा लाइफ स्टाइल फॉलो कीजिए, ऐसा खान पान रखिए कि आपको संक्रमण यानी इन्फेक्शन कम से कम हो। फिर दोस्तों, बात करें अगली सावधानी की कि अनावश्यक दवाओं का उपयोग बिल्कुल ना करें। कोशिश कीजिए कि दवाओं का उपयोग कम से कम हो, और ज़्यादा समस्या होने पर ही डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी दवाई खाएं। ऐसे ही जो रेगुलर घर में दवाई खा लेते हैं हम, सर दर्द की, ज़ुकाम की, तो इनको भी खाने से बचें, क्योंकि हर तरह की दवाई दोस्तों आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती है, और डायबिटीज़ में ये समस्या गंभीर हो सकती है। फिर अगली बात करें दोस्तों कि पैरों का ध्यान रखना है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ में पैरों का ध्यान भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप अपने चेहरे या पूरे शरीर का रखते हैं। आप समझिए कि डायबिटीज़ में अगर आपको पैरों में छोटा सा भी इन्फेक्शन होता है, चाहे वो छोटा सा दाना ही क्यों ना हो, वो बड़ी समस्या का रूप धारण कर सकता है। तो ऐसे में आप किसी भी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। फिर अगली बात करें दोस्तों कि रोज़ाना कोई ना कोई एंटी डायबिटिक ड्रिंक जरूर पीजिए। यानी आप सुबह उठते ही या तो मेथी वाटर पीजिए, या भिंडी वाटर पीजिए, या फिर आप ब्लैक टी पी सकते हैं, काली चाय, ये भी ब्लड शुगर कंट्रोल करने में एक बेहद कारगर ड्रिंक माना जाता है। तो ऐसा कोई भी ड्रिंक आप रेगुलर पीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो। फिर दोस्तों, बात करें अगली सावधानी की, तो ये है कि अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं, यानी आप शराब पीते हैं या धूम्रपान करते हैं, तो इसको तुरंत छोड़ दीजिए, और अगर छोड़ नहीं सकते तो बिल्कुल कम कर दीजिए। जितना कम करेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे। अगर आप सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं रोज़ाना, तो इससे भी आपका ब्लड शुगर लेवल बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, तो इसलिए इन बातों पर भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिए। फिर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं अगली क्या प्रिकॉशन है, सावधानी क्या है, कि रोज़ाना 20 से 25 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करनी। जी हाँ दोस्तों, WHO के अनुसार, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है कि अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो आपको रोज़ाना एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज के लाइफ स्टाइल में अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल निश्चित रूप से बढ़ता ही है। तो ध्यान दीजिए इस बात को भी। फिर बात करें दोस्तों अगली सावधानी की, तो ज़रूरी दवाइयों को अचानक बंद ना करें। यानी अगर आप बीमार हैं या डायबिटीज़ की कोई दवाई चल रही है तो उस दवाई को पूरा करें, नहीं तो अगर इन्फेक्शन बचा रह गया तो वो कहीं ना कहीं आपकी ब्लड शुगर पर विपरीत प्रभाव डालेगा, डायबिटीज़ को और गंभीर कर देगा। तो दोस्तों, दवाइयाँ जो भी खा रहे हैं पूरा कोर्स कीजिए, पूरी दवाइयाँ खाएं, बीच में ना छोड़ें। फिर बात करें दोस्तों अगली सावधानी की, कि जंक फूड या बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, और ख़ासतौर पर अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये आपके लिए जहर के समान होगा। दोस्तों, आप कोशिश कीजिए कि घर का बना खाना खाएं, सादा खाना खाएं, समय पर खाना खाएं और सीमित मात्रा में खाएं। दोस्तों, जब भी आप खाना खाएं घर पर, तो उसमें मसाले कम से कम होने चाहिए और नमक की मात्रा बिल्कुल सीमित हो। फिर बात करते हैं दोस्तों अगली सावधानी की, तो ये है कि रिफाइंड का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। घर में खाना जब भी बनाएं तो हो सके तो देसी घी में बनाइए, नहीं तो कोई ना कोई तेल का इस्तेमाल कीजिए। आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप तिल का तेल इस्तेमाल कीजिए, मूंगफली का तेल इस्तेमाल कीजिए, और अगर हो सके तो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कीजिए। ये सब आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। रिफाइंड किसी भी स्थिति में नहीं खाना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें।